गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनदेशक न्यूज। अनदेशकों की मौत के आंकड़े हाई कोर्ट और सरकार के पास पहुंच गए हैं, यानी अब सरकार को हाई कोर्ट को फैसला लेना होगा, सुनाना होगा, वो हक सम्मान का फैसला, इंसाफ देना होगा। आज अनदेशक शिक्षकों को मानदेय पर बड़ा फैसला आज हो सकता है। पूरी तैयारी के साथ अनदेशकों के मसीहा डॉक्टर एपी सिंह साहब पहुंचेंगे आज कोर्ट और रखेंगे अनदेशकों का पक्ष। आइए देखते हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ पर आदरणीय शिव कुमार मिश्रा के साथ क्या कहा। मेहनत की है इस मामले में और आज दुखद मेरे लिए भी रहा कि मैं जब इस केस की सुनवाई में पूरी तरह से संलिप्त हूं और ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट 12 तारीख को भी डेढ़ घंटा मुझे सुना, 16 को भी सुना पूरे दो घंटे और 18 को भी सुने, कल सुन रहे हैं। अब ऐसे मामले में ललितपुर से प्रमोद सोनी नाम के एक अनुदेशक ने सुसाइड कर लिया, मेरी आंखें द्रवित हो गई जब हमें आज प्रेस क्लब में उसकी फोटो पर पुष्प चढ़ाने पड़े, पुष्प अर्पित पड़े। और केवल कोई नहीं गया, प्रमोद सोनी नहीं गया, उसकी माँ ने भी एक घंटे बाद छत से एक तरह से कूद के आत्महत्या कर ली, माँ बेटे दोनों चले गए। 6 महीने पहले उनकी पत्नी जा चुकी थी, 6 महीने के अंदर एक परिवार के 3 लोगों की मौत गलत संदेश थी, गलत मैसेज देती है लोगों पर। आपकी मेहनत थी और आपकी मेहनत की बदौलत शिवपाल मिश्रा जी, आपके पैनलिस्ट की मेहनत थी कि मैं यहाँ आया और लगातार मैंने मेंशनिंग के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का धन्यवाद, चीफ जस्टिस साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने पूरा टाइम दिया, जब से आए तब से चुने और लगातार रिट पे हियरिंग के आधार पर सुन रहे हैं। और आशा ही नहीं, तो पूर्ण विश्वास है कि हमें सहयोग मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील का अपना काम है सरकार का पक्ष रखना, लेकिन हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे लास्ट में कि आप हमें भी सहयोग दें और अनुदेशकों के लिए कार्य करें, क्योंकि माननीय मोदी जी सर्व शिक्षा अभियान के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्हें दुख होगा मोदी जी और योगी जी को जब उन्हें पता चलेगा एक परिवार के 6 महीने के अंदर 3 मौतें हो गई, 2 आत्महत्या हुई, सुसाइड हो गई। उनके समय शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान ऐसा चलाया योगी और मोदी जी ने कि वर्तमान देश में सुधार हुआ, प्रदेश में सुधार हुआ। और उसके वाहक है कौन? ये अनुदेशक। उस शिक्षा के वाहक है ये अनुदेशक। उनकी बातें हैं, उनकी सब मांगे हैं, उनकी मांगों को अपने विस्तार से। अब मैं मिश्रा जी इस मामले में इतना डीपली पहुंच गया हूं कि अब मुझे टिप्स पर एक एक बात याद है। 2017 का जजमेंट 7,000 का उसे हटाना है, 17,000 को लागू कराना है, 9% के हिसाब से उनका इंटरेस्ट के साथ दिलाना है। दूसरी बात उनकी नियुक्ति, आपको और बताऊं मिश्रा जी, एक बड़ी बात निकल के आई है यहाँ मेरे इस घर में कि जो 100 लोग नहीं रहते थे, समझिए एक स्कूल में अगर 100 बच्चे नहीं है तो वहां से अनुदेशक और अनुदेशिका को हटा दिया जाता था, यानी कि 98 हुए, 99 हुए, 90 हुए, 80 हुए, 70 हुए तो वहां से अनुदेशक, पीटीआई, फिजिकल ट्रेनिंग, शिक्षक, ये सब हटा दिया जाता था। अरे गजब हो गया साहब, हमारा देश तो वो है जिसमें चुनाव के लिए, मतदान के लिए एक मतदाता के लिए भी पोलिंग स्टेशन, सॉरी मैं जुड़ गया अच्छी तरह, मैं ये कहना चाहता हूं क्यों मान लिया गया कि अगर 99 जब तक रहेंगे अनुदेशक, 99 छात्र रहेंगे तो नहीं हटाया जाएगा, क्यों नहीं माना गया अगर एक भी छात्र रहेगा तब भी अनुदेशक रहेगा, शिक्षा देगा, फिजिकल शिक्षा देगा, ट्रेनिंग देगा, सारा काम करे, क्या पता वही एक बच्चा, वही एक बालिका, वही एक बालक हमारा गोल्ड मेडल लेके आए भारत में, दुनिया के राष्ट्रपट विश्व पटल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला कोई एक बच्चा हो जिसके अनुदेशक ने मेहनत किया है, जिसके लिए काम किया, वो बच्चा भी हो सकता है। ये मुझे बड़ी विडंबना लगी कि 90 अगर छात्र रह गए तो वहां से अनुदेशक हटा दो, इसका मतलब 90 का कौन देखने वाला, उनका कौन सुनने वाला, उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? ऐसी सरकार नहीं कर सकती है। योगी मोदी जी की सरकार में जो कोई सलाहकार है ऐसे साहब, अगर जिस किसी सलाहकार है उनकी खिंचाई होगी, मैं कोर्ट में इस बात को रखूंगा, उनको हटा दिया जाता है, अनुदेशक हटा दिए जाते हैं, मतलब एक छात्र का कोई महत्व नहीं। अरे उस बाप से पूछिए जिसकी इकलौती संतान होती है अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर देता है, जवाहरलाल नेहरू से पूछिए इंदिरा गांधी की क्या वैल्यू थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से पूछिए, राजा दशरथ से पूछिए सीता की क्या वैल्यू थी, रजिया सुल्ताना की क्या वैल्यू थी, सावित्री से, उस सावित्री के सास ससुर से पूछिए सावित्री की क्या वैल्यू थी, गार्गी अपाला अनुसुईया की क्या वैल्यू थी, मदर टेरेसा की क्या वैल्यू थी,
कौन नहीं जान सकता, कौन नहीं? लता मंगेशकर, अगर लता मंगेशकर को सिखाने वाला अनुदेशक ना मिला होता, टीचर ना मिला होता, एक लड़की है लता नाम की, लड़की हटाओ, इसके लिए कुछ नहीं करना, दुनिया को स्वर सम्राज्ञी सम्राज्ञी नहीं मिल पाती, मिली तो ये बड़ा विषय था। इस विषय को भी रखूंगा कि हर सूरत में हर जगह अनुदेशक रहना चाहिए। एक और विषय, अनुदेशक का वेरिफिकेशन हर साल होता है, मतलब अनुदेशक और अनुदेशिका का वेरिफिकेशन हर साल होता है और उन्हें 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे रेवेन्यू का वर्णन पड़ता है उनकी। एक तो गरीबी है, उसमें आटा गीला और होता है, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर वेरिफिकेशन। अरे माननीय मोदी जी ने तो कह दिया है कि आपके वेरिफिकेशन का काम खत्म। वो सरकार ही क्या जो अपने देश की जनता पर भरोसा ना करे, वो सरकार ही क्या जो अपने अनुदेशक पर भरोसा ना करे, जो उसने लिख के दे दिया अपने कार्ड पर, आधार कार्ड की फोटो स्टेट आइडेंटिफाई कर दिया, वेरीफाई कर दिया, वही चलेगा, मान्यता दे दी, लेकिन फिर भी ऐसे लीक की फकीर चलाए जा रहे हैं, फिर भी ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं। और बात बताऊं आपको, वो 100 रुपए की बात नहीं है, उसके साथ प्रधानाचार्य का फिजिकल फाइनेंशियल, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल पर, सर उसके 20 सेकंड रोकूंगा, सर 20 सेकंड। आज मेरे पास एक शिकायत आई, एक प्राथमिक विद्यालय का हेडमास्टर कह रहा है अनुदेशिका से कि आप मुझसे फिजिकल संबंध बनाएंगी, रिलेशन करेंगी फिजिकल, तभी मैं लिखूंगा कि आप कामयाब हैं, आप अच्छी टीचर हैं, आप अच्छी अनुदेशिका हैं। मैं चाहूंगा जल्द उनकी डिटेल कर रहा हूं, उसके बाद इन चीजों को मैं बिल्कुल वहां के अधिकारियों से बात करूंगा, मैं प्रूफ जुटाने में लगा हुआ हूं। शर्म आती है ये बातें सुन के उन प्रधानाचारी की जो 1 लाख रुपया सैलरी लेते हैं और 7,000 रुपया सैलरी लेने वाली महिला पर दबाव बनकर उसका शारीरिक शोषण करना चाहते हैं। शर्म आती है ऐसे शिक्षकों पर। मैं उसी विषय को कह रहा हूं, कई ऐसे मामले हैं इलाहाबाद के। आज हमारे साथ इलाहाबाद के जो भोलानाथ पांडे हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ के अनुदेशक संघ के, तो भोलानाथ पांडे, विक्रम सिंह जी को आप सुनते हैं, भोलानाथ पांडे हैं और तिवारी जी है, त्रिपाठी जी हैं और सभी लोग हैं। ये सब क्या है, उसमें समझ की बात, शारीरिक मानसिक आर्थिक शोषण होता है टीचर के, प्रिंसिपल के द्वारा। ये सिस्टम ये किसने बनाया? योगी जी कभी ऐसा नहीं सोच सकते, मोदी जी कभी ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन जो सिपाही सलाहकार जो उनके होते हैं कुछ ऐसा गुमराह करके सिस्टम बना लेते हैं, वहां होता है। एक बात, दो मामले ऐसे हैं यहाँ इलाहाबाद के जिनमें ऐसा मामला है, एक इटावा ब्लॉक का मामला ऐसा है और एक आज आपने बता दिया, ये बड़ी बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के अपवाद होना बहुत